मंगलवार की कथा सुनने से मिलेगी धन संपत्ति सुख समृद्धि, हर दुख दर्द रोग शोक का होगा अंत। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये अतुलित बलधामम हेमशैलाब्ध देहम दनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, हनुमान जी कल्याण करेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, हनुमान जी कल्याण करेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बजरंग बली भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। मंगलवार की कथा जो धर्म ग्रंथों में बताई गई है वह इस प्रकार है। ऋषि नगर में केशव दत्त नाम के एक ब्राह्मण थे। वो अपनी पत्नी अंजलि के साथ में निवास करते थे। केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशव दत्त का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से केशव दत्त के यहाँ कोई भी संतान नहीं रहने से वह बहुत चिंतित था। उसके यहाँ न तो कोई पुत्र था न कोई पुत्री थी। दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद जब केशव दत्त श्री हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया, उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत तथा पूजन करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन श्री हनुमान जी महाराज को अंजलि भोग नहीं लगा सकी और वह दिन भर भूखी रही और शाम को सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई, क्योंकि उसने हनुमान जी को भी भोग नहीं लगा पाई और स्वयं ने भी भोजन नहीं ग्रहण किया। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण ले लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वरदान देता हूं। यह कहकर के हनुमान जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठ करके श्री हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की असीम अनुकंपा से अंजलि के यहां सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अपनी पत्नी से अंजलि से पूछा कि यह सुंदर सा बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा उसे सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गए। मंगल भी उनके साथ था। केशव दत्त ने मौका पाकर के मंगल पुत्र को कुएं में फेंक दिया और घर आकर के बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर पर वापस लौट आया। केशव दत्त मंगल को देख करके बुरी तरह हैरान हो उठा।
उसी रात हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों के मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर के मैंने पुत्र जन्म का वरदान दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर क्यों शक कर रहे हो? तुम्हारा शक और शंका करना निरर्थक है, क्योंकि मेरे ही प्रसाद से तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी बात सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगा करके बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके इस कथा को सुनता है, हनुमान जी उसके जीवन के सारे कष्ट संकट दूर कर देते हैं और उसके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। सभी को जो भी समस्याएं होती है उसका निदान करते हैं। सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं तथा श्री हनुमान जी महाराज की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। पराक्रम बल सेवा और भक्ति के आदर्श देवता श्री हनुमान जी माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि चारों युग परताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता होंगे जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ में जगत के लिए संकट मोचन बनकर के मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है, और मंगलवार का व्रत करने से तथा उस दिन हनुमान जी की पूजन अर्चना करने से व्यक्ति के सारे ग्रह शांत हो जाते हैं तथा शनि राहु केतु इत्यादि जो भी ग्रह है वो सब शुभ फल प्रदान करते हैं। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी महाराज दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा कर्ज से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी मंगलवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मंगलवार का व्रत करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता है और किसी भी प्रकार का टोना टोटका या कोई अला बला या आदि व्याधि आपको परेशान कर रही है या फिर आप कई प्रकार के मानसिक रोगों से परेशान है या नकारात्मक शक्तियों ने आपके घर में निवास बना रखा है, तो आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए तथा मंगलवार का व्रत करना चाहिए। मंगलवार का जो व्रत है लगातार 21 मंगलवार तक करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के श्री हनुमान जी का ध्यान करें और उसके बाद व्रत का संकल्प करें। ईशान कोण में उत्तर पूर्व के कोने में किसी एकांत स्थान में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित करें, फिर गंगा जल से उनको स्नान कराकर या छींटे दे करके और उनको लाल कुमकुम लगाएं, फिर लाल पुष्प चढ़ाएं और अक्षत चढ़ा करके उन्हें बिल्व पत्र भी समर्पित करें। चमेली का तेल का दीपक उनके सामने लगाएं और उसके बाद हनुमान जी का स्मरण करें तथा इस कथा को सुने और हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ भी उनके सामने आप कर सकते हैं और हनुमान जी को भोग लगावे। उन्हें लड्डू का भोग लगाया जाता है या किसी भी प्रकार की कोई मिठाई जो भी उपलब्ध हो या चने चिरौंजी गुड़ का भी आप भोग लगा सकते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन दान पुण्य भी करें। शाम के समय श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चमेली के तेल का दीपक लगाएं और सुंदरकांड का पाठ भी मंदिर में आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 21 मंगलवार निरंतर व्रत करने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान से बजरंग बली महाराज का पूजन करके उन्हें चोला चढ़ाएं और 21 ब्राह्मणों को बुला करके उन्हें भोजन करवावें और उन्हें श्रद्धा अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा प्रदान करें। इस प्रकार जो कोई भी व्रत या पूजन करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। श्री हनुमान जी महाराज को साहस शक्ति स्वामी भक्ति और निस्वार्थ सेवा के लिए जाना जाता है। महाकाव्य रामायण में श्री हनुमान जी को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बताया है। इनकी रोजाना आराधना करने से मनवांछित वरदान प्राप्त होता है।
पुराणों के अनुसार भगवान हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र यानी रुद्रावतार माना गया है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी साक्षात शिव के 11वें स्वरूप है। ज्योतिष की गणना के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र में मेष लग्न में सुबह 6 बजे हुआ था। हनुमान जी के जन्म को लेकर के कई प्रकार के मतांतर विभिन्न है। माता पिता के नाम के कारण हनुमान जी को अंजने और केसरी नंदन कहा था। इनकी माता का नाम अंजनी था और इनके पिता का नाम केसरी था। केसरी जी को कपिराज कहा जाता है क्योंकि वे वानरों की कपि नामक जाति से थे। केसरी जी कपि क्षेत्र के राजा थे। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। यह कैथल ही पहले कपिस्थल था। कुछ शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि कैथल ही हनुमान जी का जन्म स्थान है तथा कुछ पुराणों के अनुसार गुजरात स्थित डांग जिला रामायण काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था। यहाँ पर भगवान श्री राम व लक्ष्मण को शबरी ने बेर खिलाए थे। यह स्थल शबरी धाम के नाम से जाना जाता है। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता है कि डांग जिले के अंजनी पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि अंजनी माता ने अंजनी पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। इसी तपस्या के फल स्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की यानी श्री हनुमान जी की प्राप्ति हुई थी। माता अंजनी ने अंजनी गुफा में ही श्री हनुमान जी को जन्म दिया था। सीता माता के द्वारा श्री हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है कि यह जो है कलयुग में और आने वाले सभी युगों में चिरंजीवी के रूप में पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए विराजित रहेंगे। यानी आज भी इस पृथ्वी पर श्री हनुमान जी महाराज विराजित है। यदि आप सच्चे मन से सच्ची भक्ति से उनको याद करोगे उनको पुकारोगे तो निश्चय ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।